नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो 34 साइज का ये ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन होगा। और देखिए, ये बोट नेक गले का डिजाइन है, बोट नेक गले उल्टे दिल गले पर ये डिजाइन हम बनाएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने इसे कट किया है, लंबाई रखी है 14.5 इंच, तैयार होगी 13.5 इंच। शोल्डर लिया है 7 इंच, आर्म होल भी लिया है 7 इंच बोट नेक के हिसाब और साइज के हिसाब से। इसका हमने शोल्डर और आर्म होल 7-7 इंच ले लिया है। अब हमें गले की कटिंग करना है। गले की जो चौड़ाई हमने ली है 4.5 इंच और गहराई इसकी ली है 10.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, लगभग 11 इंच। और ऊपर से लिया है 2.5 इंच और 2.5 इंच पर ये वाला गला हमने इस तरह से गले का निशान किया। उसके बाद इसके नीचे जो इस तरह से गले का निशान किया, इसके नीचे जो गला रहेगा ये देखिए इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह हमने निशान गले का बना दिया है, उल्टे दिल गले का ये निशान हमने नीचे वाला गला जो हमारा है बना दिया है। उसके बाद इसे हमें निकालना है बुकरम के ऊपर। तो बुकरम को फैला कर रखेंगे और वहीं से निशान हमें इस पर बना लेना है। तो इस तरह ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, यहाँ से जहाँ से निशान हमारा दिख रहा है वहीं से इस पर बना लेंगे। दूसरी तरफ भी वहीं से बना लेंगे, दोनों तरफ से बनाना है। और सिर्फ बाहर वाली साइड से इसकी हम कटिंग करेंगे, गले वाली साइड से अभी नहीं करेंगे, इसे सिलाई लगाने के बाद कट करेंगे। चाहे आप तो पहले ही कट कर लें या सिलाई लगाने के बाद भी इसे कट कर सकते हैं। तो गले की कटिंग करने के बाद हमें अस्तर और कपड़े को जोड़कर तैयार करना है। कपड़े की सीधी वाली तरफ हमने अस्तर को रखा है और सबसे पहले सिलाई लगाई है नीचे वाली साइड में। और अस्तर को पलटने के बाद ऊपर से बिल्कुल किनारे से एक सिलाई इस पर और लगाई है। अब हमें साइड से सिलाइयाँ इस पर लगा लेनी है। तो ये हमने सिलाई इस तरह से लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, अस्तर के बाहर जितना भी है, उसे कट करना है। तो इस तरह से हमने कपड़े को कट किया। आप देखिए बराबर से मोड़ते हुए सीधा निशान इस पर बना दिया है। अब देखिए जो गला कट गया है उसको लेना है और बीचों बीच हमने एक सिलाई इसके डाल दी है। या तो आप प्रेस करके इसको पेस्ट कर सकते हैं पेस्टिंग पेपर को, और या तो फिर इस तरह से एक सीधी सिलाई बीच से डाल दें, उसके बाद बाहर वाली साइड से कपड़े को फोल्ड कर दें। तो इस तरह हम कपड़े को फोल्ड करते हुए एक सिलाई डाल देंगे। अब हमें देखिए गला बनाना है। तो दोनों निशानों को मिलाकर रखेंगे और पहले डालेंगे एक सीधी सिलाई, उसके बाद हम पूरे गले पर जहाँ से गले का निशान किया है वहीं से सिलाई हमें बिल्कुल उसी के ऊपर से ही चलानी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, आप दूसरी तरफ से भी लगा देंगे। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद इसे हमें कट करना है। तो इस तरह से हम गले की कटिंग करेंगे। उसके बाद हमें लगाने हैं पूरे गले पर कट्स। तो इस तरह छोटे छोटे से कट्स पूरे गले पर हम लगा देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो ये हमने कट्स लगा दिया है। अब हमें पट्टी को, ये जो हमारी बुकरम पट्टी है, इसको अंदर की तरफ पलटना है। और देखिए कपड़े को यहाँ पर भी अच्छे से निकालना है और ऊपर जो यहाँ पर भी कपड़े को अच्छे से निकाल लेना है। थोड़ा भी कपड़ा दबा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर अगर यहाँ से कपड़ा हमारा अगर थोड़ा भी दब जाता है तो फिर साइज इसकी जो है छोटी हो जाएगी। तो इसलिए अच्छे से कपड़े को निकालना है। उसके बाद हमें ऊपर से एक सिलाई इस पर लगा देनी है। तो इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा गला इस तरह से सिंपल गला तैयार हुआ। अब हमें इस पर जो डिजाइन करनी है उसे बनाएंगे। तो उसके लिए लिया है हमने सीधा कपड़ा और देखिए इस तरह से दोनों तरफ से मोड़ते हुए एक किनारे से सिलाई इस पर डाल देंगे। तो
तो इतनी चौड़ी हमें पट्टी इसकी तैयार करनी है। अगर आप चाहें तो इसे पलटकर भी सीधा कर सकते हैं तो ये जो सिलाई है वो नहीं दिखेगी, या तो इस तरह से बना सकते हैं। इस पर ज़्यादा सिलाई नहीं समझ में आएगी, इसलिए हमने इसी तरह से इसको तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर 2-2 इंच की कट करनी है। तो ये पट्टियाँ हमारी जो नीचे वाला गला है पूरे पर ये डिजाइन होंगी, तो इसी तरह से बनाकर हमें कट कर लेना है। तो ये हमने कट किया, आप देखिए यहाँ पर 1 इंच छोड़ेंगे ऊपर से, उसके बाद इस तरह से हमें इसको लगाना रहेगा। थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए एक बराबर से पूरे गले पर इसे लगाएंगे, 1 इंच में, 1 इंच से थोड़ा सा कम ही। इस तरह से पट्टी को बाहर करना है, 2 इंच की हमने कट की है, थोड़ा सिलाई में जाएगी। उसके बाद यहाँ पर उतना बाहर करते हुए बराबर से, एक बराबर से सारी डिजाइनें होनी चाहिए, तो एक बराबर से रखते हुए पूरे पर इस तरह से लगाएंगे। तो ये हमने लगा दिया इन डिजाइनों को। उसके बाद हमें लेना है गोल्डन लेस, और इस तरह से हम पूरे गले पर लेस को लगाएंगे। गले वाली साइड से 2 पॉइंट बाहर की तरफ रखते हुए लेस को लगाना है, यानी गले वाली साइड से 2 पॉइंट छोड़ना है और एक बराबर से ही हमें पूरे गले पर लेस को लगा देना है। तो इस तरह से हमने लेस को लगा दिया है। तो लेस लगाने के बाद अब हमें इन डिजाइनों को पूरा करना है, जो डिजाइन हमने ये पट्टी से बनाई है। तो क्या करना है, हमें इन डिजाइनों पर लगानी है 1-1 मोतियां हर डिजाइन के बीच में। जितना गैप दिया है उसी साइज की हमें मोती लेनी है, और इस तरह ऊपर वाली साइड से बिल्कुल बराबर से, यानी कि ऊपर अंदर वाली साइड जो है ऊपर वाली है डिजाइन की, उसके बिल्कुल किनारे से मोती लगाएंगे, और साइज मोतियों की जितना गैप दिया है वही साइज लेना है। तो इस तरह से मोतियां पूरे पर हमने लगा दी है। तो ये डिजाइन हमारा यहाँ से मोतियों वाला पूरा हुआ। अब हमें इस पर जो लटकने लगानी है वो बनाकर लटकन लगाएंगे। तो ये हमने लिया है 3 इंच का चौकोर कपड़ा, और इस तरीके से हमें लटकन को, कपड़े की ही लटकन को बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमें 4 लटकने लगेंगी, 2 हम ऊपर लगाएंगे, 2 नीचे लगाएंगे। अगर आप चाहें लटकन नहीं लगाना है तो इस पर बांधने वाली डोरी लगा सकते हैं, तो डोरी पर लटकन लगाएं अगर डोरी बांधने वाली लगाना है। यहाँ पर हम इसको यहाँ इस साइड से फिक्स कर देंगे, खोलने और बांधने वाला झंझट नहीं रहेगा। ऊपर हम इसको जोड़कर इस पर बटन लगाएंगे, उस बटन के नीचे हम 2 लटकन लगाएंगे। तो ये हमने लटकन बना ली है, 2 इसी तरह से और बना ली है। इस पर हमें मोतियाँ डालनी हैं। अब यहाँ से नाप लेंगे, कपड़े के साइज की ही लटकन रखेंगे, जो ब्लाउज है उसके बाहर नीचे की तरफ लटकन हमारी नहीं होगी, तो उसी हिसाब से हमने मोती डाली है। देखिए बराबर से इसको रखा है, दोनों लटकन को इसी तरह से लगा दिया है। अब हमें यहीं पर 1 बटन लगानी है लटकन के ऊपर, गोल्डन बटन लेंगे, और लेस और लटकन के बीच में जो गैप दिया है थोड़ा सा बटन के लिए, वहाँ पर हमें इस तरह से बटन लगा देना है। तो ये बटन इस तरह लगा दिया है। अब ऊपर का पार्ट लेंगे, और यहाँ पर इसको पहले इस तरह से जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हमें 1 यहाँ पर बटन लगानी है। पहले अच्छे से इसको जोड़ेंगे, ताकि अच्छे से जोड़ने के बाद यहाँ से ये खुले ना। फिर जोड़ने के बाद हमें 1 गोल्डन बटन लेनी है, और यहाँ पर बटन को इस तरह से लगा देना है। बटन लगा लेंगे, फिर हम इस पर लटकन लगा देंगे। तो लटकने हमने बना ली है, बस उसे लगाना रह गया है। तो देखिए इस तरह बटन को लगा दिया, अब देखिए इस तरह से लटकन लगा देंगे। तो ये 2 लटकन हमने बना ली है उसी तरीके से, थोड़ी छोटी ली है और उसमें मोतियां डाल दी है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से लगा दिया है। उसके बाद देखिए हम इसका लास्ट में जो दोनों प्लेट्स है वो बना देंगे। तो इस तरह हमारा उल्टे दिलजले का बिल्कुल न्यू डिजाइन बन के तैयार हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।